बलस्याव राम चंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वालों की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा, मैंने देखा है कि यूट्यूब पर में आपको सपनों के बारे में बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताई जाती है। इतनी सारी वीडियोज है यूट्यूब पर में, हमने जब रिसर्च करना शुरू किया कि कुछ वीडियोज सपनों के बारे में दिया जाए, तो मैंने कहा कि चेक करता हूं स्वप्न शास्त्र के बारे में, बहुत सारे विद्वान होंगे, लोग होंगे जो यूट्यूब पर में देते होंगे। लेकिन जब रिसर्च करना शुरू किया तो मतलब आप मानोगे नहीं, मैं आश्चर्य से भर गया। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। स्वप्न शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन तक नहीं किया, जिन्होंने पढ़ा नहीं, कभी किताब उल्टा करके नहीं देखा, यहां वहां से आपको खुश करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए बिना मतलब की उल्टी सीधी बातें कुछ से कुछ अपलोड किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे और बड़ा मतलब शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि लोग क्यों सामुद्रिक शास्त्र को, क्यों स्वप्न शास्त्र को लोग इतना बदनाम करने पे तुले हुए हैं। आज जब आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पर में किसी का, जो सपने में इस चीज को देखा, उसका अर्थ क्या हुआ, आपने वो अर्थ देखा तो आपको पता चला कि ये तो सपना घटित ही नहीं हुआ, इसका अर्थ ये तो फलित ही नहीं हुआ। कल होकर के आपका विश्वास उठ जाएगा सपने पर से, आप मानेंगे नहीं कि क्या ऐसा होता है। आपको लगेगा कि ये लोग ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आपको बता दूं मैं कि बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं होगा। स्वप्न शास्त्र का कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, मैं आपको बताता हूं। और सबसे पहली बात, इस बात को भी जान लें कि कौन सा सपना आप किस टाइम में देख रहे हो और वो कब फलित होगा, इसका भी एक अलग सिद्धांत है। जैसे कि हमारे महर्षि कहते हैं, जिन्होंने स्वप्न शास्त्र पर रिसर्च किया, जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने इसे खोजा, जिन्होंने इसको पढ़ा, वो कहते हैं कि अगर रात्रि के पहले प्रहर में, क्या रात्रि के पहले प्रहर में चार घंटा का एक पहर जो है सो माना जाता है लगभग, तो अगर रात्रि के पहले प्रहर में आप अगर स्वप्न देखते हो तो वो सपना आपका एक वर्ष में जाकर के पूरा होगा। कब पूरा होगा? एक प्रहर का मतलब तीन घंटा के करीब में होता है, चार नहीं तीन घंटा होता है। तो जब पहले प्रहर में आप सपना जब देखते हो तो वो आपको एक वर्ष में जाकर के पूरा होगा। अब आप आज आपने सपना देख लिया, सोए और सपना आपने देख लिया, और वो सपना आप खोज रहे हो कि भाई बहुत बढ़िया सपना था, वो उसका अर्थ होता है कि बहुत धन दौलत संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है, और इधर कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो पहले प्रहर का सपना एक वर्ष में जाकर के पूरा होता है।
रात्रि के अगर दूसरे प्रहर में 3 चौक 12 चार प्रहर होते हैं, इसलिए मैंने 4 घंटा कह दिया, मिस्टेक हो गई, तो 4 तिया 12 ही रह गया, और 3 चौक 12 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि जो है सो माना जाता है। तो 8 प्रहर जो है टोटल होते हैं 24 घंटे में मिला करके। तो देवी और सज्जनों, रात्रि के पहले प्रहर में जब सपना देखा जाता है तो वो जाकर के आपको बड़ा गुड बात जो है समझने का प्रयास करो कि वो पहले 1 वर्ष में वो पूरा होता है। और दूसरे प्रहर में जब देखा जाता है, यानी कि दूसरे प्रहर में देखा गया सपना, यानी कि रात्रि के 3 घंटा व्यतीत होने के बाद का जो 3 घंटा है, यानी कि फर्स्ट 3 आवर बीत गया, सेकंड 3 आवर जो है, जैसे कि मान लो कि सूर्यास्त जो है सो इतने बजे में हुआ और सूर्यास्त से लेकर के इतने बजे के बीच में आप सो गए, तो आपको जो है सो 3 घंटे के अंदर में ये सपना आ गया, तो ये हुआ। फिर आपने सोने में ही या तो विलंब की अथवा सो गए सवेरे और सपना दूसरे प्रहर में आया, तो वो 6 महीना में जाकर के फल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपना देखा हुआ स्वप्न जो है सो विफल हो जाता है, ऐसा कहते सपनों का फल होता है, वो आपको फलित होता है। और जब तीसरे प्रहर में आप सपना देखते हो तो वो महर्षि कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर में वो फलित होता है, और जब चौथे प्रहर में जब आप सपना देखते हो तो वो 1 महीने के अंदर में फलित होता है, और जब सुबह सुबह जब सपना देखते हो तो वह तत्काल फल देने वाला होता है। बिल्कुल सुबह में सोए हुए हैं और कोई स्वप्न आ गया, वो तत्काल में फल देने वाला साबित होता है। तो स्वप्न शास्त्र का ये सिद्धांत है जो अभी तक आप में से 90-95 अथवा यूं कहूं तो 99% लोगों को जानकारी नहीं होगी। अब आप ये समझ चुके। देवी और सज्जनों, महर्षि का यह भी कहना है, जो भी व्यक्ति गौ के समूह को चरते हुए देखता है स्वप्न में, जो भी व्यक्ति, उस सपना का फल उसको तत्काल प्राप्त होता है। जैसे कहीं पर में गाय का समूह चर रहा है और वहां पर में उसके अलावा उसने कोई सपना देख लिया, तो उसका फल वो तत्काल उसको मिलेगा, तुरंत मिलेगा उसको। कहते हैं कि रात्रि का देखा हुआ दैविक स्वप्न अपने गुरु को कहना चाहिए। कौन सा सपना आप किसको कहना चाहिए ये समझ लो। रात में जब कोई सपना आप देखते हो और अगर वो दैविक स्वप्न है तो उसे अपने गुरु से कहें, किसी अरे गरे से नहीं कहें। यदि गुरु न हो तो व्यक्ति स्वयं ही मंत्र का ज्ञाता हो तो स्वयं ही स्वप्न के फल पर विचार करना चाहिए, खुद ही उसको खोजना चाहिए, खुद ही उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसको निकालने की कहीं से खोज करके कोशिश करनी चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। इसके लिए आपको खूब मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है सो आप उसके फल को समझ पाओगे, निकाल पाओगे। ऐसे कहीं पर मैं कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, ऐसा नहीं। मैं आपको कुछ सपनों का अर्थ बताता हूं और फिर अगले वीडियो में इस पर मैं चर्चा करेंगे। महर्षि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि उसे अपराधी बनाकर उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है और वह निर्दोष छूट गया है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको अतुल धन संपदा की प्राप्ति हो रही है, बहुत पैसा आने वाला है कहीं ना कहीं से। अगर आपने सपने में ये देख लिया कि आपको अपराधी बना दिया गया और आप पर में मुकदमा चलाया जा रहा है, अब ये किस प्रहर में देखा वो आपको घड़ी देखनी पड़ेगी कि कितने बज के कितने मिनट में देखा। वो फर्स्ट प्रहर में आता है 6 से 9 में 9 से 12 में 12 से 3 में या 3 से 6 में, किस प्रहर में वो आता है वो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि पहला प्रहर था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था, तब जाकर के उसका फल आपको कितने समय में मिलेगा ये आप समझेंगे। दूसरा सपना एक और बता देता हूं। महर्षि कहते हैं कि यदि स्वप्न में किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन कोई वृद्ध करता हुआ दिखाई दे, क्या कोई वृद्ध है, कोई 60 वर्ष से ऊपर है, 65 है, 70 है, 80 है, 85 है, 90 है, कोई वृद्ध है,
करता हुआ दिखाई दे, तो आप ये समझ लें कि आपको समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आपको समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलने वाला है, आपको समाज में खूब इज्जत मिलने वाला है, आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में समाज आपको देखेगा। एक और बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पागलखाने में पागल के रूप में देखे, आप सपने में देख रहे हो कि आपको पागलखाने में भेज दिया गया है और आप पागल हैं, और तो आप ये समझें कि आपकी मानसिक सबलता जो है सो बढ़ती जाने वाली है और लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, मेंटली स्थिति आपकी बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी मेंटली स्थिति और आप बहुत प्रशंसा के पात्र बनने वाले हैं। एक और बता देता हूं, यदि कोई लेखक स्वप्न में किसी प्रशंसक द्वारा अपनी रचना और स्वीकृत करता देखे, अगर आप राइटर हो, कुछ लिख रहे हो, अथवा आपका कोई चैनल है यूट्यूब पर में, आप सपने में देख रहे हो कि वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, अथवा आप देख रहे हो उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है फेसबुक पर में, वेबसाइट पर में, कहीं पर में भी कुछ लिखे हो और वो अस्वीकृत हो गया, वो नहीं चला, वो खराब हो गया, आप ये देख रहे हो, तो आप ये समझो कि आपकी रचना जो है जो बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली है, बहुत जल्द छपने वाला है, आपका रचना प्रकाशित होने वाली है। एक और बता देता हूं, पांच बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को कोई पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, अगर आप सपने में हो और देख रहे हो कि आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हो, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, तो आप ये समझो कि समाज में जो है सो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति के तौर पर में समाज में जानने वाले हो, लोग आपको बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है सो देने वाले हैं। दोस्तों, बताने को बहुत कुछ है, बहुत बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बताने के लिए तो हमारे पास में पूरा का पूरा स्वप्न शास्त्र ही है, जो इतना मोटा का किताब है, पुस्तक है, एक एक करके बताऊंगा, धीरे धीरे आप सब जुड़े रहें, पार्ट बाय पार्ट का इंतजार करें, कुछ कुछ समय में आपको पार्ट बाय पार्ट चीजें मिलती रहेंगी। तब तक इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, आपको कुछ सही जानकारी प्राप्त हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।